New patient? New year? Very nice doctor. Very expensive, but give money to him. डॉक्टर साहब, हाँ, अरे आप, आपका कोई जुड़वा भाई है जो झाड़ू मार रहा था बाहर? अरे जुड़वा भाई ने, मैं खुद था। तो आप खुद? वो छोड़ दो, आप एक काम कीजिए, आप जाइए, वायरल डिजीजेस बहुत है, आप जाके ब्लड टेस्ट करवाइए, वहाँ पर नर्स है, जल्दी आइए प्लीज। क्या हुआ? अभी तो आप डॉक्टर थे, फिर कंपाउंडर थे, क्या? अरे डॉक्टर कंपाउंडर आप छोड़ दीजिए, मुझे पता है डॉक्टर ने बोला है आपका ब्लड लेना है, दीजिए आपका। क्या? अरे हाथ दीजिए, मुझे ब्लड लेना है। हाथ? बस हो गया। ये लीजिए, आपका ब्लड ले लिया मैंने, आप जाइए डॉक्टर के पास, मैं उनके पास सैंपल भेज देता हूँ। आगे आप ब्लड दे के आगे हाँ ना? अच्छा हो आपने। अरे वो क्या है ना, आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है तो सब काम खुद ही करना पड़ता है। नहीं नहीं, मैं चलता हूँ, मैं एकदम ठीक हो गया सब। कैसे ठीक हो गया? नहीं नहीं, हो गया ये देखो अभी बाकी आ रहे, रुको। नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं नहीं, अरे ये पेशेंट भी भाग गया। नेक्स्ट पेशेंट, आइए। अरे डॉक्टर साहब, आप वो बाहर कंपाउंडर नर्स वो को? अरे बहन जी, महंगाई का जमाना है, कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, क्या करें। अरे डॉक्टर साहब, तो आप म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में ट्रेडिंग क्यों नहीं करते? उससे आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। नहीं बहन जी, वो चीजें थोड़ी डिफिकल्ट होती है। तो आपने ना अपस्टॉक्स का नाम नहीं सुना? अपस्टॉक्स इंडिया का लीडिंग म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट और शेयर मार्केट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। क्या बात कर रही है? और ना ये बहुत ही भरोसेमंद है, क्योंकि इसमें खुद रतन टाटा जी ने इन्वेस्ट किया है। रतन टाटा जी ने खुद इन्वेस्ट किया है? हाँ, और डेली 1 मिलियन से भी ज्यादा लोग इसमें ट्रेडिंग करके ढेर सारा पैसा कमा रहे हैं। और इसमें ना रजिस्टर करना भी बहुत आसान है, बस तुम्हारे पास पैन कार्ड होना चाहिए, 5 से 7 मिनट में आराम से रजिस्ट्रेशन भी हो जाता है। फिर भी ये चीजें करना ना थोड़ा डिफिकल्ट है। डॉक्टर साहब कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि अपस्टॉक्स में ना 28,000 रुपए तक की एडवाइजरी सर्विसेज फ्री है, और इसे इस्तेमाल करना बहुत आसान है। जैसे शेयर मार्केट नीचे जाए आप इसे इन्वेस्ट कीजिए, और जैसे ये ऊपर जाए आप इसे बेच के अपना प्रॉफिट कमा सकते हो। और पता है अपस्टॉक्स में ना कुछ ही दिनों के बाद आप फॉरेन कंपनीज के भी शेयर्स खरीद सकते हो, और ये ना हिंदी में भी अवेलेबल है, तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है। ये चीजें मुझे पहले पता होती, मैं अब भी अपस्टॉक्स विजिट करता हूँ। तो गाइस जल्दी से जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपस्टॉक्स की लिंक दी है, जाइए और अपने पैसे को अच्छे से इन्वेस्ट कीजिए। डॉक्टर बताइए मुझे क्या हुआ है। मिस्टर मेहरा, यू हैव एक्यूट वायरल इन्फेक्शन विच इज अफेक्टिंग योर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, नेसल बोन, लैरिंक्स एंड द साइनस, एंड आई थिंक यू आर एक्सपोज टू कोरोना वायरस। अरे ये कोरोना वायरस क्या है? अरे वो कोरोना है। नो, इट्स नॉट कोरोना, इट्स कोरोना वायरस। करीना? Yes. के लिए बोला था मैंने, वो करीना, करिश्मा, रवीना, सबसे दूर रहो। अरे डॉक्टर सच्ची में बताइए मुझे हुआ क्या है? You just having acute viral necrophagitis. Oh my god, necrophagitis? बहुत बड़ी बीमारी है। तुम्हें कैसे पता? वही तो, मुझे नहीं पता, मतलब बहुत बड़ी बीमारी है। अरे डॉक्टर ये क्या है? डॉक्टर कितने दिन है? Less than 5 to 7 days. 5 to 7. तू बस क्यों रही हो? गम की खुशी, मेरी बीवी पागल हो गई 5 से 7 दिन सुन के। डॉक्टर नेहा, मैं तुम्हारे पास कुछ कन्फेशन करना चाहता हूँ। क्या?
मेरा एक बैंक में अकाउंट है जो तुम्हें नहीं पता है और उसमें 5 करोड़ रुपए रखे हैं, वो तुम ले लेना। 5 करोड़ ले लो तुम। हाँ वो अकाउंट नंबर और पासवर्ड दे देना। हाँ दे दूंगा, उसके पहले और एक चीज सुनो। वो जो स्वीटी है ना तुम्हारी फ्रेंड, हाँ वैसे ही मैं भी उसको गाली देता था ना, पर मन ही मन में मैं उसको बहुत पसंद करता था। अब तुम भी सुन लो, क्या 7 दिन में मरने वाले हो? मैं 8वें दिन पे वो नितेश के साथ शादी कर लूंगी, वो तुम्हारा दोस्त। नितेश के साथ शादी करोगे तुम? एक मिनट, आपको किसने बोला कि आप 5 से 7 दिन में मरने वाले हो? अरे आपने ही तो बोला, वो ऐसे कुछ तो कर रहे थे आप। 5 से 7 दिन भी तो बोले आपने। अरे आपको बस सर्दी हुई है, उसमें थोड़ी कोई मरता है। सर्दी हुई है? हाँ सर्दी हुई है मुझे। भगवान बच गया। तो आपकी बीवी रो क्यों रही है? वही तो मुझे सवाल है, तुम रो क्यों रही हो? रो क्यों रहे हो तुम? मैं तो बच गया अभी। वो स्वीटी का क्या? घर चलो बताती हूँ। स्वीटी का क्या? स्वीटी को रहने दो, वो नीतेश का क्या है? हाँ तो क्या है? फीस कितने? डॉक्टर वो जाने दिया, आप अपनी फीस बताइए। हाँ आपने इतना टाइम वेस्ट किया है मेरा, तो आपके होते हैं अराउंड 10 लाख रुपए। 10 लाख? अरे आपने कोई ऑपरेशन किया क्या मेरा? अरे मैंने सुना ना आपके अकाउंट में 5 से 10 करोड़ रुपए, तो 10 लाख आप मुझे दे ही सकते। देखो मैंने आपके बचा लिया। क्या हुआ है? हाँ मुझे यहाँ ये सरदर्द। ओ और तुम्हें? सर्दी। ओ ओके, डॉक्टर तो बहुत अच्छा है ना। क्या कर रही हो यहाँ पे? क्या बीमार हो? डॉक्टर के यहाँ आई हूँ। अरे बीमार होती हो तो तुम्हें यही डॉक्टर मिलता है? हमारा फैमिली डॉक्टर मर गया है क्या? वो फैमिली डॉक्टर? और बीमारी तुम्हारी महीने के 15 दिन रहती है, इतना बीमार कौन रहता है? तो क्या मैं बीमार रहती हूँ? अरे तरह मुंह देखो अपना बहन जी, ये देखिए कितनी लिपस्टिक लगा के आई है। डॉक्टर के पास कोई आता है इतनी लिपस्टिक लगा के? नहीं। क्या नहीं, इसने भी तो लगाई है लिपस्टिक, दिखाओ। मैं बाहर जाने वाली हूँ ना अभी, इसीलिए। आज की फैशन है समझा? ये क्या है, डॉक्टर के पास लिपस्टिक? यहाँ से चले जाओ। नहीं मैं भी रुकने वाला हूँ। क्यों? नहीं मैं भी रुकूंगा, देखूंगा मैं क्या है। डॉक्टर डॉक्टर। हाँ वो बेटो। डॉक्टर सुनिए ना, मेरी जो पीठ है ना, पीठ उसमें बहुत दर्द हो रहा है, और उसके साथ ही ना ये जो उंगली है ना, ये उंगली एक ना, और क्या हो रहा है? ये उंगली है ना, उंगली के अंदर भी बहुत दर्द हो रहा है। कब से हो रहा है? मुझे जरा फोन है, एक सेकंड मैं फोन पे बात करके आता हूँ। फोन? डॉक्टर? अरे कहाँ गया ये डॉक्टर? हेलो, रामू सुन ना, वो पेशेंट के ना पीठ में दर्द है और उंगली में दर्द है, जल्दी दवाई बोल। हाँ, ठीक है चल रखता हूँ, पेशेंट बैठा है। ओके सॉरी यार, जरा टाइम लगा मुझे, क्या मैं थोड़ा फोन पे बिजी रहता हूँ।
हाँ तो आप खाते बोल रहे थे पीठ में दर्द। हाँ ये उंगली में भी दर्द था आपको बताया ना। उंगली में भी दर्द है? हाँ। कौन सी वाली? ये वाली डॉक्टर। ये वाली ठीक है। हाँ। और तो और इसके साथ ही ना जो मेरा पेट है ना आजकल ठीक नहीं रहता डॉक्टर, बहुत हाँ बहुत दर्द हो रहा है पेट में भी। अरे वापिस एक फोन आया, क्या है ना वो इंटरनेशनल सब पेशेंट मुझे फोन करते रहते, बहुत बिजी रहना पड़ता है। हाँ, थोड़ा एक सेकंड प्लीज। हाँ क्या डॉक्टर है, कब से अंदर बाहर कर रहा है, सुन ही नहीं रहा है मेरी। अरे उसके पेशेंट के पेट में भी दर्द है, जल्दी बोलना। अरे रामू कंपाउंडर है रे, लेकिन मुझे पता है मुझसे नॉलेज तेरे को ज्यादा है। मैं तो डोनेशन देके पास हुआ था, प्लीज प्लीज तू अभी दवाई बोलना। ओके हाँ ठीक है, थैंक यू बाय बाय बाय। डॉक्टर आ गए आप। तो हम कहाँ थे अभी? आपको पीठ में दर्द था, आपके उंगली में दर्द था और आपके पेट में दर्द था, बस ये तीन चीजें थी आपको। अरे सुनिए ना, मेरे पैर में भी दर्द है डॉक्टर। पैर में भी दर्द है? हाँ। एक बार बोला कर रहे हैं। अरे आप इतनी बार जा रहे आ रहे कैसे बताओ? देखो वापस मुझे एक क्लाइंट का फोन है, अभी इंटरनेशनल में फोन रहता है, लेना पड़ता है, क्या करूँ बिजी रहता हूँ मैं। फिर से दो मिनट है मुझे सर, ठीक है जल्दी। डॉक्टर बहुत पहुंचे हुए लगता है ये। हेलो। अरे रामू अरे माफ कर दे यार, सॉरी सॉरी। नहीं यार प्लीज 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 सुन ना, अरे वो पेशेंट के पैर में भी दर्द है, अब भी बोला यार उसने, मैं क्या करूँ प्लीज प्लीज माफ प्लीज प्लीज रामू। चल चल हाँ नहीं क्लिनिक ही बंद कर दूंगा, नहीं अभी आएगा ही नहीं, ये लास्ट पेशेंट है क्या? हाँ ठीक है, थैंक यू यार, थैंक यू, तू ही भगवान है मेरा, थैंक यू रामू। चलो चलो आ गए डॉक्टर आप। ये देखो फोन पे बोलते बोलते मैंने आपकी दवाई भी लिख दी है, ये लो। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू डॉक्टर, मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना? अरे दवाई लेने के बाद तुरंत ठीक हो जाओगे आप। हाँ ठीक है डॉक्टर, आपकी फीस वो रिसेप्शन पे दे देना। रिसेप्शन ओके ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। नेहा शटर बंद कर दो। हेलो हाँ। अरे किधर है तू? एक काम कर चल पबजी खेलते। अरे क्लिनिक नहीं रे, वो रामू नहीं आया, एक पेशेंट आया था, मेरी ऐसी वाट लग गई ना। नहीं नहीं चल तू आजा जल्दी आजा, चल टाइम मत वेस्ट कर। तो गाइस हमारे इस वीडियो में आपको कौन सा डॉक्टर पसंद आया वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, और आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और इसे बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपस्टॉक की लिंक दी है, जाइए जल्दी से और अपने पैसों को इन्वेस्ट कीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय।